Hello children, in this video you will get to know what is cyber law, importance of cyber laws and what is IT Act 2000. Okay, so let us start with what is cyber law. Cyber law or IT law is referred to as the law of the internet. तो साइबर लॉ क्या है? साइबर लॉ है इंटरनेट पे जो एक कानून लागू होता है, मतलब वहाँ पे जो भी क्राइम्स होते हैं, जिसके लिए उसके लिए जो हमने लॉज बनाए हैं उसको बोलते हैं साइबर लॉ. ओके, और आईटी लॉ, इट इज अ लीगल सिस्टम डिजाइंड टू डील विद द इंटरनेट, कंप्यूटिंग, साइबर स्पेस. ओके, एंड रिलेटेड लीगल इश्यूज. तो साइबर लॉ क्या है? एक लीगल सिस्टम है जिसको डिजाइन किया गया है, जिसको बनाया गया है किससे डील करने के लिए, जो भी इंटरनेट पर या साइबर स्पेस. साइबर स्पेस क्या होता है? द वर्चुअल स्पेस क्रिएटेड बाय साइबर स्पेस मीन्स जो इंटरनेट पे जितना भी कम्युनिकेशन होता है, एक नेटवर्क है. ओके, तो उस नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन होता है. ओके, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है, बिजनेस कंडक्ट किया जाता है. तो वो पूरा का पूरा जो इंटरनेट पे जो स्पेस अवेलेबल है जहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है, सोशल डिस्कशंस होती हैं, बिजनेस किया जाता है, तो उसको बोलते हैं साइबर स्पेस. ओके, तो साइबर स्पेस में इंटरनेट पर से जो भी साइबर स्पेस से जो भी रिलेटेड लीगल इश्यूज होते हैं उनको डील करने के लिए साइबर लॉज को क्रिएट किया गया है. ओके, साइबर लॉ एनकंपासेस एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, ज्यूरिसडिक्शन, डेटा प्रोटेक्शन लॉज, प्राइवेसी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. तो साइबर लॉज के अंदर क्या क्या आता है? बहुत कुछ आता है, लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आते हैं. मतलब अगर किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को स्टील किया जा रहा है या उसके अगेंस्ट जाके कुछ वर्क हो रहा है, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट हो रहा है, वहाँ पे साइबर लॉज वर्क करते हैं. कॉन्ट्रैक्ट है कंपनीज में, ऑनलाइन कंपनीज में, वहां पे कुछ प्रॉब्लम है दैट विल बी हैंडल्ड बाय द साइबर लॉ ज्यूरिसडिक्शन. ओके, डेटा प्रोटेक्शन लॉज हैं, डेटा की प्रोटेक्शन, जहाँ ऑनलाइन डेटा प्रोटेक्शन के लिए साइबर लॉज हैं. प्राइवेसी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, प्राइवेसी के लिए और आप आपकी फ्रीडम के लिए, सो डैट यू कैन ईजली यूज द ऑनलाइन स्पेस, यू कैन ईजली यूज द साइबर स्पेस, उसके लिए साइबर लॉज बनाए गए हैं. ओके, द लॉज इम्प्लीमेंट फॉर साइबर सिक्योरिटी लार्जली वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड देयर रिस्पेक्टिव ज्यूरिसडिक्शन. तो जो साइबर लॉज हैं वो क्या है? वो वेरी करते हैं, मतलब वो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग साइबर लॉज हैं. ओके, और किसके अकॉर्डिंग है? वहां के ज्यूरिसडिक्शन के अकॉर्डिंग है. ठीक है, वहां का जो जिस कंट्री का ज्यूरिसडिक्शन जैसा है वैसे ही वहां, मतलब साइबर जो लॉज हैं वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं. ठीक है, उनको अलग अलग तरीके से लागू किया जाता है. ओके, द पनिशमेंट्स फॉर द सेम ऑल्सो वेरी फ्रॉम फाइन टू इम्प्रिजनमेंट बेस्ड ऑन द क्राइम कमिटेड. ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में उनकी पनिशमेंट, साइबर लॉज में जो पनिशमेंट दी गई है या फाइन दिए गए हैं वो भी क्या है? डिफरेंट है, वो वेरी करते हैं, मतलब अलग अलग है, अलग अलग कानून है, अलग अलग जो भी है, अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग क्या है? साइबर लॉज है, और अलग अलग उसमें फाइन्स है, अलग अलग उसमें सजाएं दी जाती है. इम्प्रिजनमेंट क्या होता है? सजा देना. ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिटीजन्स टू नो द साइबर लॉज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज टू मेक श्योर दे आर वेल अवेयर ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी. तो आपको क्या करना होता है, सिटीजन्स को क्या नॉलेज होनी चाहिए? उनको अपनी कंट्रीज के साइबर लॉज पता होने चाहिए. ओके, जिससे वो अवेयर है कि जो साइबर लॉज हैं वो क्या हैं. ओके, और अगर आप उसको उसके अगेंस्ट जाते हो साइबर लॉज के, तो उसके लिए आपको क्या पेनल्टी देनी पड़ सकती है. ओके, तो ये सब पता होना चाहिए. फाइन, द फर्स्ट साइबर लॉ टू एवर एग्जिस्ट वाज कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट इन 1986. जो सबसे पहला साइबर लॉ आया था वो क्या था? कंप्यूटर फ्रॉड और अब्यूज एक्ट था, जो 1986 में आया था. डेट प्रोहिबिटेड अनऑथोराइज एक्सेस टू कंप्यूटर्स. जो क्या करता था? अनऑथोराइज कंप्यूटर्स को अनऑथोराइज एक्सेस करना, मतलब बिना परमिशन के किसी कंप्यूटर को एक्सेस करना, एंड इलीगल यूज ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन, और डिजिटल इंफॉर्मेशन का इलीगल यूज करना, उसके
उसके लिए बनाया गया था। मतलब अगर आप किसी कंप्यूटर्स को बिना परमिशन के एक्सेस कर रहे हो, या फिर डिजिटल इंफॉर्मेशन को, मान लो बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन है कंट्रीज की, बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन है, अगर आप उसको क्या कर रहे हो, उसको इलीगली आप यूज कर रहे हो, तो वो किसके अंडर आता है? कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट, ओके, जो सबसे पहला एक्ट बनाया गया था 1986 में। नाउ वी हैव इम्पोर्टेंस ऑफ साइबर लॉज, ओके। साइबर लॉज की क्या इम्पोर्टेंस है? इट कवर्स ऑल ट्रांजेक्शन ओवर इंटरनेट। तो इंटरनेट पे जितने जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो साइबर लॉ के अंडर आता है, ओके। इट कीप्स आई ऑन ऑल एक्टिविटीज ओवर इंटरनेट। इंटरनेट पे जो कुछ भी हो रहा है, ओके, उसके ऊपर ये पूरी अपना पूरा उसको देखता है, वॉट एवर इज गोइंग ऑन। आप जो भी एक्टिविटी होती है इंटरनेट पर, वो साइबर लॉज उसको पूरा जज करता है, राइट। इट टचेस एवरी एक्शन एंड एवरी रिएक्शन इन साइबर स्पेस। तो जो भी एक्शन रिएक्शन, वॉट एवर इज गोइंग ऑन, इज अंडर द आई ऑफ साइबर लॉज, ओके। हाउ टू फाइल अ साइबर क्राइम कंप्लेंट ऑनलाइन इन इंडिया। अगर आपको साइबर क्राइम कंप्लेंट करनी है इंडिया में, तो आप कैसे करोगे ऑनलाइन, ओके। अ साइबर क्राइम कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड यूजिंग नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल ऑफ इंडिया। तो आप नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे जाओगे, ठीक है, और उसकी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है आपको, https://cybercrime.gov.in, ओके। सो इन ऑर्डर टू फाइल द साइबर क्राइम कंप्लेंट, यू कैन गो टू दैट पर्टिकुलर वेबसाइट, फाइन। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर, अगर आपको कॉल करना है तो साइबर क्राइम का हेल्पलाइन नंबर भी है। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर इज 155260, ओके ओके। नाउ वी हैव नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल ऑफ इंडिया। दिस पोर्टल इज एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फैसिलिटेट विक्टिम्स कंप्लेनेंट्स टू रिपोर्ट साइबर क्राइम कंप्लेंट्स ऑनलाइन, ओके। तो ये हमारा एक पोर्टल है, मतलब पोर्टल क्या होता है, वेबसाइट है, ओके, जो इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या की, आपको प्रोवाइड की है, ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, साइबर क्राइम्स कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, फाइन। दिस पोर्टल कैटर्स फॉर ऑल टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। तो यहाँ पे इस पोर्टल में आप किसी भी तरह की साइबर क्राइम की कंप्लेंट सेंड कर सकते हो, ऑनलाइन कंप्लेंट आप फाइल करा सकते हो, ठीक है। कंप्लेंट्स इंक्लूडिंग, ओके, साइबर क्राइम कंप्लेंट्स इंक्लूडिंग कंप्लेंट्स पर्टेनिंग टू किस किस तरह की, ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी, अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी उसके अगेंस्ट आप करवा सकते हो कंप्लेंट, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट एंड अदर साइबर क्राइम्स सच एज मोबाइल क्राइम्स, ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया क्राइम्स, ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स, रैंसमवेयर, हैकिंग, क्रिप्टो करेंसी, ओके, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड क्राइम है, ओके, एंड ऑनलाइन साइबर ट्रैफिकिंग। तो किसी भी तरीके का साइबर क्राइम है, ओके, आप उसके अगेंस्ट अपनी कंप्लेंट फाइल करा सकते हो बाय द पोर्टल ऑफ नेशनल साइबर क्राइम, ओके। नाउ वी हैव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, और वी कैन से आईटी एक्ट 2000, ओके। तो ये क्या है, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, आल्सो नोन एज आईटीए 2000 और आईटी एक्ट, इज एन एक्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट नोटिफाइड ऑन 17 अक्टूबर 2000, ओके। तो ये जो आईटी एक्ट है, ठीक है, वो पार्लियामेंट में कब नोटिफाई किया गया था, 17 अक्टूबर 2000 में। इट इज प्राइमली लॉ इन इंडिया डीलिंग विद साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है वो किस लिए बनाया गया है, ये डील करता है साइबर क्राइम से एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मीन्स जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रही है, जो भी बिजनेस किया जा रहा है ऑनलाइन, ओके, उससे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, फाइन। इट कंसिस्ट ऑफ 94 सेक्शंस। इस एक्ट के अंदर 94 सेक्शंस हैं। डेटा डिवाइडेड इंटू 13 चैप्टर्स एंड 4 स्केड्यूल्स, जो कि 13 चैप्टर्स और 4 स्केड्यूल्स में डिवाइड किए गए हैं, फाइन। पर्सन्स ऑफ अदर नेशनलिटीज कैन ऑल्सो बी इंडिक्टेड अंडर द लॉ इफ द क्राइम इन्वॉल्व्स अ कंप्यूटर और नेटवर्क लोकेटेड इन इंडिया। जो अदर दूसरी कंट्रीज के लोग हैं वो भी इसके अंडर आएंगे, उनको भी इस लॉ के अंडर
वो भी इस लॉ के अंडर आते हैं, अगर वो क्राइम जो कर रहे हैं वो कहाँ, वो किस से कर रहे हैं, ऐसे कंप्यूटर से या नेटवर्क से जो इंडिया के अंदर प्रेजेंट है, जो इंडिया के अंदर लोकेटेड है, ठीक है, जो इंडिया के अंदर है, फाइन, ओके ओके। सो आईटी एक्ट के अंदर जो कुछ लॉज आते हैं वहां, यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। द साइबर लॉ इन इंडिया एंड प्रोविजंस फॉर लीगल एक्शन एंड पनिशमेंट हैव बीन एक्सप्लेन्ड इन नटशेल इन द बिलो गिवन टेबल, राइट। तो जो आईटी एक्ट के अंदर जो कुछ सेक्शन है यहाँ पे उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे, ठीक है। नाउ द सेक्शन इज 67A, राइट, पब्लिशिंग इमेजेस ऑफेंस, ये सेक्शन है, देन दिस इज द ऑफेंस। इसके अंदर ऑफेंस क्या है, पब्लिशिंग इमेजेस कंटेनिंग सेक्सुअल एक्ट, अगर आप इस तरीके की इमेजेस को पब्लिश करते हो, ठीक है, ये ऑफेंस है आपका। तो पेनल्टी क्या होगी, इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स एंड और फाइन अप टू 10 लाख रुपीज, फाइन। या तो इम्प्रिजन, या तो आपको कैद होगी 7 साल की, या फिर आपको 10 लाख रुपीज का फाइन देना होगा, फाइन। देन वी हैव 67B, पब्लिशिंग चाइल्ड पोर्न और प्रीडेटिंग चाइल्ड ऑनलाइन, ओके। तो चाइल्ड पोर्न पब्लिश करना या फिर चिल्ड्रन को ऑनलाइन फंसाना, ठीक है, फंसा के उनसे कुछ गलत काम करवाना, ठीक है, इस ऑफेंस की पेनल्टी क्या है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 ईयर्स एंड और फाइन अप टू 10 लाख ऑन फर्स्ट कन्विक्शन। मतलब 5 ईयर्स की आपको इम्प्रिजनमेंट होगी और या फिर आपको 10 लाख रुपीज का फाइन देना पड़ेगा फर्स्ट टाइम, अगर आपने ये क्राइम किया है फर्स्ट टाइम, ओके। इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स एंड और फाइन अप टू 10 लाख ऑन सेकेंड कन्विक्शन, और अगर आपने वही क्राइम सेकेंड टाइम रिपीट किया है तो आपको 7 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट होगी, कैद होगी, और या फिर आपको 10 लाख रुपीज का फाइन फिल करना होगा, ओके। सेक्शन 67C, फेलियर टू मेंटेन रिकॉर्ड्स बाय इंटरमीडियरी शैल प्रिजर्व एंड रिटेन रिकॉर्ड्स फॉर ड्यूरेशंस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट के क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो उन्होंने क्या दिया है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स हैं जो उन्होंने किसी कंपनी को क्या मेंटेन करने के लिए दिए हैं, ओके तो अगर वहां पे वो फेल हो जाती है, फेलर टू मेंटेन रिकॉर्ड्स बाय इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज कौन होते हैं, मीडिएटर्स, एजेंट्स, तो कुछ ऐसी कंपनीज हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन प्रिजर्व करने का या मेंटेन करने का जो वर्क दिया गया है, अगर वो उसमें फेल हो जाते हैं तो उसके लिए क्या है पनिशमेंट, क्या है पेनल्टी, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर्स, या तो 3 साल की इम्प्रिजनमेंट, ओके, या फिर 2 लाख का फाइन। नाउ वी हैव सेक्शन 68, ओके। इसमें ऑफेंस क्या आता है, फेलर और रिफ्यूजल टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स, जो आईटी एक्ट के अंदर लॉज दिए गए हैं, ऑर्डर्स दिए गए हैं, अगर कोई भी उनको क्या करता है, उनको लागू नहीं करता, उनका पालन, कंप्लाई मीन्स पालन करना, उनका पालन नहीं करता है, तो इस केस में क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स, 7 साल की, या तो कैद, या फिर पॉसिबल फाइन, जो भी पॉसिबल फाइन हो सकता है वो, ठीक है। नाउ वी हैव सेक्शन 69, फेलियर रिफ्यूजल टू डिक्रिप्ट डेटा। अब यहाँ पे अगर किसी ने किसी ऑर्गेनाइजेशन का क्रूशियल या बहुत इंपॉर्टेंट डेटा क्या कर दिया है, एनक्रिप्ट कर दिया, एनक्रिप्ट मतलब उसको कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ओके, एंड अब वो क्या करता है, उसको रिफ्यूज कर देता है डिक्रिप्ट करने के लिए, ओरिजिनल डेटा में कन्वर्ट करने के लिए उसको रिफ्यूज कर देता है, ओके। तो इस केस में क्या है, ये एक क्राइम है कि आप किसी का डेटा स्टील करके उसको डिक्रिप्ट, उसको सॉरी एनक्रिप्ट करो, एनक्रिप्ट मतलब उसको कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करो, और अगर आप उसको डिक्रिप्ट नहीं करते हो तो या दिस इज आल्सो अ क्राइम, दिस इज एन ऑफेंस, ओके। तो इसके लिए पेनल्टी क्या है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर्स, 3 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट और फाइन अप टू 1 लाख, या फिर 1 लाख का फाइन, फाइन। नाउ सेक्शन 70, सिक्योरिंग एक्सेस और अटेम्प्टिंग टू सिक्योर एक्सेस टू अ प्रोटेक्टेड सिस्टम, अगर आप किसी प्रोटेक्टेड सिस्टम को क्या करते हो, एक्सेस कर लेते हो, मतलब किसी कोई इंपॉर्टेंट सिस्टम
डिवाइस है, आप उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, उसको क्या करते हो एक्सेस कर लेते हो, अपने अंडर ले लेते हो या फिर उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हो। तो उसके लिए क्या है, पेनल्टी इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स, 10 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट है या फिर फाइन है। नाउ वी हैव सेक्शन 71, हु एवर मेक्स एनी मिस रिप्रेजेंटेशन टू और सप्रेसेस एनी मटेरियल फैक्ट फ्रॉम द कंट्रोलर और द सर्टिफाइंग अथॉरिटी फॉर ऑब्टेनिंग एनी लाइसेंस और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अगर आप क्या करते हो, आप फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हो, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट का मिस रिप्रेजेंटेशन करते हो इन ऑर्डर टू एक्सेस द इन ऑर्डर टू एक्सेस एनी लाइसेंस, आप कोई लाइसेंस लेने के लिए, ऑनलाइन लाइसेंस लेने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो वो रॉन्ग है, ठीक है, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो कंट्रोलर को वो क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो इस केस में ये क्या है, इफ यू आर गेटिंग द लाइसेंस, अगर आप लाइसेंस ले रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ रॉन्ग इंफॉर्मेशन, तो वो क्या है, क्राइम है। तो इसके लिए पेनल्टी क्या है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर्स और फाइन अप टू 1 लाख, या तो इम्प्रिजनमेंट सजा होगी आपको, कैद होगी 3 ईयर्स की, या फिर 1 लाख का जुर्माना। नाउ वी हैव IT Act 2000 अमेंडमेंट्स। जो IT Act में अमेंडमेंट्स किए गए थे, चेंजेस किए गए थे, वो क्या है, अ मेजर अमेंडमेंट वॉज मेड टू IT Act इन 2008। 2008 में IT Act, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में कुछ चेंजेस किए गए थे। इट इंट्रोड्यूस सेक्शन 66A, इसके अंदर 66A सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब इसमें डाला गया, विच पिनलाइज्ड सेंडिंग ऑफ ऑफेंसिव मैसेजेस। जहां पे सजा दी जाएगी किस चीज के लिए, अगर आप क्या करते हो किसी को ऑफेंसिव मैसेजेस भेज रहे हो, उल्टे सीधे यूजलेस डर्टी मैसेजेस आप अगर किसी को भेज रहे हो, तो उसके लिए क्या है, आपको सजा दी जाएगी। पिनलाइज का मीनिंग क्या होता है, सब्जेक्ट टू अ पेनल्टी और पनिशमेंट, या तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी या फिर आपको पनिशमेंट दी जाएगी। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस सेक्शन 69, विच गिव अथॉरिटीज द पावर ऑफ इंटरसेप्शन और मॉनिटरिंग और डिक्रिप्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्स। इसमें एक सेक्शन 69 और ऐड किया गया, जिससे क्या होता है, अथॉरिटीज को पावर दी गई कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को इंटरसेप्ट कर सकते हो। इंटरसेप्ट मतलब उसको सीज कर सकते हो, उसको वहां से उठा सकते हो, ले सकते हो, या मॉनिटर कर सकते हो उसको, उसको देख सकते हो कि वो क्या चीज है। और किसी भी डेटा को आप डिक्रिप्ट कर सकते हो, मतलब जो इंटरनेट पे डेटा ट्रेवल करता है वो एनकोडेड फॉर्म में करता है, मतलब कोडेड फॉर्म होती है, तो आप उसको डिक्रिप्ट करके आप पता लगा सकते हो कि क्या मैसेज है, क्या चीज है। और किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स में, मतलब आपको अगर जरूरत है, मतलब कोई क्राइम हो रहा है मान लो इंटरनेट के थ्रू, तो आप इंटरनेट से किसी भी डेटा को इंटरसेप्ट कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो, डिक्रिप्ट करके पता लगा सकते हो कि क्या चीज हो रही है। फाइन, नाउ अमेंडमेंट्स ऑल्सो कंटेन पेनल्टीज फॉर चाइल्ड पोर्नोग्राफी, साइबर टेररिज्म एंड वॉयरिज्म। तो यहाँ पे पेनल्टीज को ऐड किया गया चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए, साइबर टेररिज्म के लिए, मतलब इंटरनेट पे जो इंटरनेट के थ्रू जो टेरर फैलाया जाता है उसके लिए, एंड वॉयरिज्म मतलब जो इंटरनेट पे पोर्न मटेरियल अवेलेबल होता है उसके लिए। फाइन, द एक्ट वॉज passed in December 2008 and came into force in October 2009। तो ये एक्ट December 2008 में पास किया गया था, और ये इम्प्लीमेंट कब हुआ, कभी इम्प्लीमेंटेशन इसका स्टार्ट हुआ, October 2009 से। ओके चिल्ड्रन, नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो ऑफ सोसाइटल इम्पैक्ट्स। टिल देन कीप स्टडिंग, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर यूजफुल वीडियोज। बाय बाय।